Hello students, in previous lecture we studied about the osmotic pressure and depression in freezing point. Total हमारी चार colligative property हुई, उसमें से last थी osmotic pressure. Osmotic pressure मतलब osmosis को stop करने के लिए higher concentration वाले beaker पे जो pressure लगाना पड़ता था वो. अब osmotic pressure वाले topic में तीन अलग अलग terminology है जो हम repeatedly use करते हैं. उसमें एक है isotonic, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. उसमें सबसे पहला हम देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन और उसे बोलते हैं आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन. दी टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. अब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया ना तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी सेम ही होगी. याद रखना सेम कॉन्सेंट्रेशन तभी तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगी क्योंकि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन है. देख लीजिए पाई एंड कॉन्सेंट्रेशन. तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम तो कॉन्सेंट्रेशन भी सेम. तो ऐसे दोनों सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक. आइसो मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर वाले. मान लो मैं ऐसे लिख दूँ टू मोलल ग्लूकोज एंड टू मोलल यूरिया सॉल्यूशन. तो ये दोनों की मोलालिटी सेम है तो उसके ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम हो गए. दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ टू मोलल ग्लूकोज एंड वन मोलल NaCl. ये दोनों की भी कॉन्सेंट्रेशन सेम है. खास ध्यान रखना है यहाँ पर आपको देखना है कि टू मोलल ग्लूकोज और इसकी मोलालिटी तो वन है तो फिर सेम कैसे. याद करो मैंने बोला था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल. तो पानी में जाके कितने पार्टिकल बनने वाले हैं टू, वन सोडियम एंड वन क्लोरीन और मोलालिटी कितनी है वन. तो वन इंटू टू कर दो कितना हो गया टू मोलल. अंदर जाके तो टू ही होने वाला है ना तो ये दोनों की मोलालिटी सेम हो गई. याद रखना सो बोथ हैविंग सेम कॉन्सेंट्रेशन. फिर एक एग्जाम्पल देता हूँ देखिए 6 मोलल ग्लूकोज एंड 2 मोलल MgCl2. इसकी 6 है ये अंदर जाके कितने होने वाले देखिए Mg+2 Cl-. ऐसे कितने क्लोरीन है 2, 2 क्लोरीन और एक मैग्नीशियम टोटल 3 हो गए. टोटल कितने पार्टिकल हो गए 3 और मोलालिटी कितनी थी 2 2 into 3 6 6 और 6 सेम. तो इसके कितने पार्टिकल हो गए उसका तो 1 है बिकॉज इट इज़ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. याद करो इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के ही बनते हैं. तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उसे हम बोलेंगे आइसोटोनिक दैट इज आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन. एक खास याद रखना है मैंने जो दो तीन एग्जाम्पल दिए ना इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर MCQ. ये सब आपको पता होने चाहिए कैसे सॉल्व करना है. दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक हाइपो मतलब लेस तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन लेस हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर और लेस कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन लेस तो ऑस्मोटिक प्रेशर लेस. एंड थर्ड है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपर मतलब ज्यादा देन द सॉल्यूशन हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर और मोर कॉन्सेंट्रेशन. देखिए मैं आपको एक यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ टू मोलल ग्लूकोज वन मोलल यूरिया 0.5 मोलल MgCl2 0.5 मोलल NaCl 2 मोलल Al2SO4 थ्राइस एंड 0.5 मोलल सुक्रोज.
इसकी मोलालिटी वही रहेगी बिकॉज इट इज़ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसकी मोलालिटी भी वही रहेगी क्योंकि ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसकी कितनी हो जाएगी, 0.5 इंटू इसमें कितने पार्टिकल है, 3, तो इट बिकम्स 1.5। इसकी कितनी होगी, इसके दो पार्टिकल बनेंगे तो 0.5 इंटू 2 1। इसके कितने बनेंगे, देखिए 5 पार्टिकल, 3 + 2 5, तो ये हो जाएगा 5 × 10 मोलल। और ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो इसकी तो इतनी ही रहेगी। तो अब देखिए किसकी मोलालिटी सबसे ज़्यादा है, तो 10 वाले की। तो जिसकी मोलालिटी ज़्यादा वो हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा, हाइपर मतलब मैक्सिमम। और किसकी मोलालिटी सबसे कम है, तो इसकी, तो इसे हम बोल देंगे हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गए, हाइपोटॉनिक और हाइपरटॉनिक। तो ये है हाइपोटॉनिक, आइसोटॉनिक एंड हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। और ये थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब तक में हमने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी उसमें सबसे पहला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नॉट माइनस पी अपन पी नॉट इज इक्वल टू एन टू अपन एन वन प्लस एन टू। दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। थर्ड था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। एंड फोर्थ था ऑस्मोटिक प्रेशर सी आर टी। ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कहाँ पे होता था, एप्लीकेशन मैंने आपको लिखवाया था जब स्टार्ट किया तब, टू डिटरमाइन दी मोलार मास ऑफ अननोन सब्सटेंस। किसी अननोन कंपाउंड का मोलार मास फाइंड करना है तो आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते, बट ओनली फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और यदि इसे आप इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज़ करना चाहते हैं, इफ इट इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, मैंने आपको एक लेक्चर में पूरा समझाया, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइट, पूरा हमने एक्सप्लेनेशन देखा है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इसे यदि आप इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आई मस्ट बी यूज्ड, आपको एक आई नाम का फैक्टर यूज़ करना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट अंदर जाके डिसोसिएट हो जाते हैं या तो फिर एसोसिएट हो जाते हैं। और हम तो सोचेंगे कि मैंने एक NaCl डिजोल्व किया तो, बट अंदर जाके 1 मोल के कितने हो जाएंगे, 2 मोलल हो जाएंगे। तो मुझे जो मोलार मास, मैं मोलार मास फाइंड करने जा रहा हूँ, मुझे जो मोलार मास मिलना चाहिए था उसका आधा मिलेगा क्योंकि 2 पार्टिकल हो गए। तो जब जब इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलार मास फाइंड करने जाएंगे ना, तब मोलार मास गलत आएगा, रॉन्ग आएगा, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो अंदर नहीं होता, वो तो अंदर जाके अलग हो जाते हैं। तो जब ये फॉर्मूला आप मोलार मास के लिए यूज़ करेंगे तब सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज़ करना है तो ये सबको आप आई से मल्टीप्लाई कर देना होगा। आई मस्ट बी यूज्ड, आई मस्ट बी मल्टीप्लाइड, ये सबके आगे आप क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, आई। ना व्हाट इज दिस आई, आई जो है वो है वांट ऑफ फैक्टर। आई इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर। अब आई का फॉर्मूला क्या होता है, तो आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलार मास अपन एबनॉर्मल मोलार मास। नॉर्मल मतलब जो होना चाहिए, रियल, किसी भी कंपाउंड का रियल मोलार मास। एबनॉर्मल मतलब रॉन्ग, एबनॉर्मल का मतलब होता है रॉन्ग, मतलब एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल मोलार मास। अभी अभी मैंने आपको बोला। और दूसरा एक मैं फिर एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन थियोरिटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और एक मैं आई लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ
पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अब देखिए आई क्या होता है, जब हम ये चार फॉर्मूला इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज़ करेंगे तब आगे हमें आई मल्टीप्लाई करना होगा। यदि हम आई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब हमारा मोलार मास गलत आएगा, और वो मोलार मास जो रॉन्ग आएगा, जो आना चाहिए उससे रॉन्ग, बस इसे ही हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलार मास। ये जो एबनॉर्मल मोलार मास है ना, ये एबनॉर्मल, ये क्या है, कैलकुलेटेड विदाउट यूजिंग आई। आई को यूज़ किए बिना आप कैलकुलेट करेंगे तो रॉन्ग आएगा, क्योंकि अंदर जाके वो डिसोसिएट हो जाने वाला है, मॉलिक्यूल छोटा या बड़ा हो जाएगा या तो एसोसिएट हो जाएगा। तो आई के बिना आप यूज़ करेंगे तो उसे आप बोल देंगे एबनॉर्मल मोलार मास, दैट इज़ रॉन्ग मोलार मास। ये ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो आपको दी होती है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में दिया होता है ना, वो गिवन इन क्वेश्चन, वो लोग एक्सपेरिमेंट करके आपको देते हैं, तो इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन, मतलब एक्सपेरिमेंट पर से दी है गिवन प्रॉपर्टी। और ये आप कैलकुलेट करते हैं, उसे आप कैलकुलेट करेंगे विदाउट आई तो वो भी रॉन्ग आएगी, आई को यूज़ किए बिना जो आप यूज़ करेंगे। हमें ये फार्मूला याद रख लेना है, इस फार्मूला से हमारा ऑलमोस्ट काम हो जाएगा। जब जब आपको ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉन इलेक्ट्रोलाइट के मोलर मास फाइंड करने के लिए यूज़ करनी है, तब आगे आप क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, कंपलसरी आई, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के आई यूज़ नहीं करेंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन था, ग्लूकोज फ्रुक्टोज सुक्रोज एंड यूरिया, बाकी सब तो इलेक्ट्रोलाइट इस चैप्टर में जनरली। तो ये आई क्या है, आई मतलब वांट ऑफ फैक्टर, और ये क्या है, नॉर्मल मोलार मास अपन एबनॉर्मल मोलार मास। और एक नोट लिखेंगे कि जब डिसोसिएशन होगा ना, डिसोसिएशन, तब जनरली आई ग्रेटर देन वन मिलेगा। देखिए डिसोसिएशन में आई क्यों ग्रेटर देन वन मिलता है, NaCl है, देखिए NaCl, ये आई का फॉर्मूला, देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, इसमें कितने होंगे, डिसोसिएशन के बाद में कितने पार्टिकल होंगे, दो, और बिफोर डिसोसिएशन कितने थे, वो एक था, मतलब आई की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन वन। फॉर एसोसिएशन आई लेस देन वन, एसोसिएशन कब होता है मैंने आपको लिखवाया है, याद करना। एंड फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं, उसके लिए होगा आई इक्वल टू वन। अब इलेक्ट्रोलाइट का तो एसोसिएशन होता है, तो एसोसिएशन जब होगा तब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की भी बात आएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, इसका फॉर्मूला है आई माइनस वन अपन एन माइनस वन। ये आई क्या है वो तो आपने लिख दिया है, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला हियर, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब कितने पार्टिकल डिसोसिएट होते हैं उसे हम बोलते हैं आई। दूसरा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एक्स, एसोसिएशन जब होगा तब फॉर्मूला होगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन का वन माइनस आई इंटू एन अपन एन माइनस वन। एसोसिएशन कब होता था, एसिटिक एसिड इन बेंजीन या तो फिर बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, ये है एसोसिएशन का फॉर्मूला। हियर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या तो नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएटेड, कितने एसोसिएट हुए उसका नंबर, दो हो गए तो डाइमर होगा, तीन हो गए तो ट्राइमर, इतने फार्मूला आप नोट कर लीजिए। इसके बेस पे हमें कुछ न्यूमेरिकल्स, बस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी न्यूमेरिकल के लिए इम्पोर्टेंट है, और एक हम लिख देते हैं डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, K
ए जो आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, सिर्फ यहाँ पे लिख रहा है हम के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी अपन वन माइनस अल्फा। लास्ट में एक नॉट लिख देते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट। आगे मैंने लिखा है लास्ट लास्ट लेक्चर में, या तो इसमें ही आगे लिखा है कि चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन था। तो कॉन्सेंट्रेशन और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये रिलेशन है। कॉन्सेंट्रेशन में यदि इलेक्ट्रोलाइट हो गए तो हम सबके आगे आए लगाएंगे, ध्यान में रखना है चार कॉलिगेटिव का फॉर्मूला है, उसमें जब इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज़ होगा तो आई यूज़ होगा, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आई विल नॉट बी यूज। ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर है, इसके कुछ फॉर्मूला, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसे आपको याद रखना है, और इसके बेस पे अब हमारे जो न्यूमेरिकल्स है वो हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मान लो कि मैं एक आपको एग्जाम्पल दूँ कि 0.2 मोलार, 0.2 मोलल NaCl, तो उसे आप कितना कंसिडर करेंगे, टू पार्टिकल तो है उसमें, तो 0.2 का डबल हो जाएगा, 2 × 0.2 इज इक्वल टू 0.4 मोलल। मान लो 0.2 मोलल ग्लूकोज है, ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसे इतने ही रखेंगे क्योंकि उसमें कुछ होगा नहीं, 0.2 मोलल। फिर 0.2 मोलल MgCl2, इसमें कितने पार्टिकल है, तीन, तो 3 × 0.2 इट बिकम्स 0.6 मोलल। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन दी वो तो देखने में आपको इक्वल लगेगी, बट यहाँ पे देखिए ये देखना है हमें। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, नंबर 1, 2 एंड 3। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे देखिए, बॉइलिंग पॉइंट और कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो थर्ड का, देन उससे कम फर्स्ट, देन सेकंड, यही यही ऑर्डर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर का, बिकॉज इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर का क्या ऑर्डर होगा, उल्टा हो जाएगा, 2, 1, 3, क्योंकि 2 की कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम है। फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है ना कॉन्सेंट्रेशन के साथ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और वेपर प्रेशर भी लोअरिंग होता है। तो ये था आपका सॉल्यूशन चैप्टर, उसमें मेन चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और खास याद रखना 4 इलेक्ट्रोलाइट, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई यूज़ करना होगा, और 4 नॉन इलेक्ट्रोलाइट आई नॉट यूज्ड, एंड 4 इलेक्ट्रोलाइट यदि मान लो मैंने इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी आई नॉट यूज्ड, आई यूज़ नहीं किया, देन मोलार मास विल बी रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड एब नॉर्मल। इसे खास ध्यान में रखना है, मोलार मास रॉन्ग आएगा। बस इसे लेके हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।